जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोठिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। और दोस्तों, आज से सही दो दिन बाद में जो कि अपना त्यौहार है होली, तो सबसे पहले मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपका भाई होली के सही दो दिन पहले एक ऐसी लोकेशन पर पहुँचा है जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जितेंद्र भैया एक बार उस लोकेशन पर जाओ। बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर कमेंट आ रहे थे कि यार जितेंद्र भैया ऐसी लोकेशन जिसने आपने पहले भी विजिट कर ली मगर वहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है हमारे को, तो एक बार प्लीज़ जाके देखो कि वहाँ पे एक्चुअली के अंदर है क्या। तो दोस्तों, ज़्यादा कहानी तो आपको एक्चुअल जो लोकेशन है वहाँ जाने के बाद में मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी अगर ऐसा कुछ है तो। सबसे पहले मैं मनोज भाई को ये कहता हूँ कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ वो एक बार दिखा दो, कि पास में हाईवे है भाई, एक बार दिखा दो। आपको लाइटें दिखी होगी, पास में हाईवे है। इस हाईवे से बिल्कुल राइट हैंड के अंदर एक टर्न पड़ता है और एक गांव पड़ता है, छोटा सा नगर नाम से एक गांव है। दोस्तों, इस लोकेशन को मैंने पहले भी विजिट करा है, यहां पे एक दर्दनाक बच्चों की मौत हुई भी थी, मगर हमने जब वो लोकेशन विजिट करी थी तो सिर्फ हमारे को जो स्प्रिट दिखी थी वो एक बच्ची की दिखी थी। मगर अभी हाल में कोई ब्लॉगर है जो वहाँ पर शूट करके गया है और बता रहे हैं कि वहाँ पर एक बच्ची की आत्मा नहीं है, वहाँ पे दो से तीन बच्चियों की आत्मा है। तो दोस्तों, आज मतलब बोलने में भी हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि जब मासूमों की बात होती है ना तो दोस्तों बोला नहीं जाता गले से। तो दोस्तों, मुझे भी ये देखना है कि वाकई में जैसे वो स्प्रिट यहाँ पे भटक रही है, वहाँ पे दूसरी स्प्रिट भी यहाँ पे उसकी बहन की स्प्रिट यहाँ पे है या नहीं है। दोस्तों, पास के अंदर ही वो लोकेशन है, मैंने आपसे बिल्कुल छुपाया नहीं है, हाईवे पास में है। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि अभी ऑलरेडी मुझे यहाँ पहुँचने में एक बज चुकी है। तो मनोज भाई चले, हाँ, और देखना ये आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं कि वाकई में वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे अपने पास में जो मैसेज आ रहे हैं वाकई में कोई दूसरी स्प्रीट या किसी बहन की स्प्रीट भी है क्या वहाँ पर। चले भाई, हाँ। दोस्तों, ये लोकेशन मैंने बहुत टाइम पहले भी आपको दिखाई थी और शायद आपने वो लोकेशन बहुत अच्छे से भी देखी थी, मगर मुझे क्या है कि इस लोकेशन पे दोबारा आने का कभी मौका ही नहीं मिला। मगर आज करीबन सप्ताह भर से आपके ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो मैं खुद मजबूर हो गया कि मुझे वो लोकेशन एक बार विजिट करनी है कि वाकई में वहाँ पे कोई स्प्रिट दूसरी नजर आ रही है या नहीं आ रही है। राइट एंड भाई ये रास्ता था शायद, है ना भाई? तो दोस्तों, आप रास्ता भी देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लेना ताकि ये क्या है कि ये बीच में नहीं आए, क्योंकि ये रास्ता है बहुत खतरनाक है। देख सकते हो दोस्तों कि कैसा रास्ता है ये, चारों तरफ मतलब इतने पेड़ है, इतना जंगल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ पे 7 बजे बाद में कहते हैं कि कोई भी नहीं आता है, कि कई स्प्रिट यहाँ पे नजर आती है बच्चों की स्प्रिट के अलावा, यहाँ पे कहते हैं कि लोगों के मर्डर हुए हुए हैं। मुझे कुछ नोटिस हो रहा है, कुछ आवाजें आ रही है जैसे कोई गेट को खटखटा रहा है, तो आ रही है अपनी, है ना? ऐसा लग रहा है ना पीछे से कोई गेट को जैसे कोई खटखटा रहा है यहाँ पे जैसे एंटर हुआ है अपन, है ना? एक मिनट वो मेरे को चेक करके आना, बस बेटर हो एक मिनट।
रास्ते की एकदम बंद है। भाई नोटिस करो, जैसे एंटर हुए ना कुत्ते भौंकने लग गए यहाँ, है ना? चलो जो होगा जो देख लेंगे आगे। बात कर रहे हो, जब मालूम है आपको कि अपन पहले आए थे जब यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बड़ी मुश्किलों से अपनी गाड़ी निकली थी, ध्यान है ना? मगर अभी फिलहाल कोई पानी वगैरह नहीं है यहाँ पे दोस्तों। वो सेंसिटिव एरिया आ चुका है जहाँ पे हमारे को कोई स्प्रिट नजर आई थी। भाई 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 एक मिनट देख ले साइड में, एक मिनट रुकना मैं देख के आता हूँ। आप यही गाड़ी में बैठना है ना? भाई आवाज आ रही है? आवाज आई ना? हाँ मैंने कहा ना, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा नजर आया मुझे जाते हुए, आवाज आ रही है कुछ अजीब सी। चलो आगे चलते हैं एक बार। दोस्तों ये वो लोकेशन आ चुकी है जहां पे उन बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी और यहीं वो कहते हैं कि बच्चे दिखते। आज अगर वो बच्चे अगर हमारे को दिखते हैं तो पूरी कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की, और कोशिश करेंगे कि अगर उनकी बॉडी या कहीं पे हमें नजर आए हम उसका मॉक्स दिलाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। भाई रख कोई है ऐसा लगा कोई बहुत ही क्रॉस किया एकदम से, है ना सामने की तरफ? हाँ मुझे भी ऐसा लगा मगर मैं बोला नहीं, मैंने क्या पता मेरा डाउट है या क्या है, क्योंकि डाउट तो मेरे को पीछे भी हुआ था। है यही है भाई, कोई ना कोई चीज है। वो देखो भाई बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। देखो हाँ है ना, बच्चे जैसे हंस रहे हो। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अजीब सी आवाज भी है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत चारों तरफ नजर रखना, कैमरे के अलावा नजर रखनी है कि अगर कोई भी चीज नजर आए तो प्लीज बताना मुझे। वो आवाज कंटिन्यू। बिल्कुल भाई, ओ भाई सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो दोस्तों, बिल्कुल वो चीज सामने है। अब पता नहीं क्या है, क्या चीज है हम आपको नहीं बता सकते अभी, जब तक हम खुद कंफर्म नहीं होंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं करूंगा मैं आपको दावा नहीं कर सकता हूँ ये चीज क्या है। बस ये लोकेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और कोई चीज हमारे सामने है। बिल्कुल कुछ अजीब से लग रहा है यार, है ना भाई? अजीब सा चीज है, शैडो टाइप में कुछ। भाई रुको एक बार, इसको नोटिस करो, जब तक कंफर्म नहीं होना इस चीज के बारे में, जब तक गाड़ी के नीचे नहीं उतरना है क्योंकि गाड़ी खुद बवानी होती है। थोड़ा सा जूम कर लो भाई, जूम कर लिए भाई। ये देखो ओ भाई 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 भाई
कहते हैं कि बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि कोई स्प्रिट ही अलग है यहाँ पे। तो ये अलग चीज है भाई। एक मिनट, इसकी लंबाई देखो एक बार। लंबाई देखो यार, वास्तव में यार मनोज भाई, ऐसा लग रहा है ना कोई जगह जा रही है, जैसे कोई ये आगे की तरफ। भाई बाहर उतरो एक बार, बात करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज गायब होने से पहले बात करने की कोशिश करेंगे भाई। कौन आप? एक मिनट रुक जाओ आप, हम आपसे बात करना चाहते हैं। यही रुक जाओ आप, ध्यान से। क्या आप हमारे सामने आ सकते हो वापस? ऐसा लग रहा भाई कहीं पे ले जाना चाहती है ये चीज। मुझे भी लग रहा है भाई। भाई 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 वही चीज वापस देखो, वही चीज बोरी। मैं कह रहा हूँ भाई ले जाना चाहती है ये चीज अपने को। भाई यार ये तो कुछ अजीब सी चीज लग रही है यार आज। ओ भाई पीछे की तरफ देख ले एक बार, गाड़ी में वो चीज गायब हो गई। गाड़ी में देखो कोई चीज छुप रही है। रुको, वो बच्ची नोटिस करो, कोई बच्ची छुप रही है। कोई है भाई, देखो कैमरे में। आवाज बढ़ गई गाड़ी की एकदम। भाई बच्ची है कोई, इधर चलो। रुको देखो भाई, देखो गाड़ी में क्या करे? गाड़ी को छोड़ दो दोनों तरफ रिक्शे। एक बार इधर देखो यार, तू गाड़ी में वो क्या चीज है यार? देखो गाड़ी के पास से आवाज आ रही है। देखो भाई गाड़ी के पास से आवाज आ रही है। मेरी बात सुनो, ये जो कांचे कड़बे होते हैं ना, हाँ, उनका कारण है ये बच्चों का दिखना। भाई मैं बोल रहा हूँ एक बार पहले गाड़ी के पास चलो यार। गाड़ी में एक बार वो चीज पूरी कैप्चर कर ले। तो क्या चीज थी वो? और यार गाड़ी में तुम अपन बैठे थे तो कोई चीज थी नहीं। रुको। अरे बच्ची गाड़ी में है? भाई बच्ची गाड़ी में। रुको भाई रुको, देखो भाई अपने को जान में बसा लिया। देखो हम आपका नुकसान पहुंचाने नहीं आए, या आपके बच्चों को हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। यहाँ पे हम आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, केवल हम आपको देखने आए थे सिर्फ कि आपके साथ में क्या हुआ है यहाँ पे। भाई वो चीज कैप्चर नहीं हो रही है सामने वाली। क्या बात कर रहे हो? नहीं हो रही भाई, दिखा ना। हाँ ओ भाई हैं, ये क्या हुआ यार कैमरे के भी? एक सेकंड ये देखो। हाँ ये देखो, वो देखो। एक मिनट रुको, ये चीजें कैमरे के भी परे हो जाती है। कैमरा ऑटोमेटिक एकदम से ब्लर हो गया। सबसे पहले मेरे एकदम से ब्लर हुआ। नहीं अब ठीक है, कुछ सामने खड़ी है भाई। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये बताओ सेफ्टी तो है ना जेब में? मेरे पास तो है। देखो इन चीजों से डरने से कोई फायदा नहीं है। रुको, वो आगे बढ़ रही है। नहीं कुछ ही आगे बढ़ रही है। बात करनी पड़ेगी, अगर आपके बच्चे की बॉडी कहीं पे है
तो उसको मोक्ष दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या हमें आप बता सकते हो कि आपके बच्चे कहाँ हैं? बता सकते हो? हम आपके पीछे आ रहे हैं, आप आगे चलो, हमें बताओ कहाँ पे है वो। भाई धीरे, भाई धीरे धीरे। भाई धीरे, भाई अजीब सी आवाजें भी आ रही है कुछ। भाई अपन ने कुछ बोला है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इधर आओ जल्दी आओ। भाई वो चीज कहाँ गई? भाई वो चीज इधर गई है, अंदर की साइड में है, अंदर की साइड गई है। रुको भाई रुको, रुको एक बार। ओ भाई वो देखो, गाड़ी की आवाज ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। जब तक वो अपनी बात नहीं मनवाएगी ना अपने से, अपन आ तो गए, जब तक इस चीज है ना, जब तक वो पीछे नहीं छोड़ेगी अपना। आगे चलो और देखो वो कहाँ पे दिखाना चाह रही है अपनी बॉडी बच्चे की। भाई तो यार वो चीज एकदम गायब कहाँ हो गई? भाई इधर से आवाज आ रही है। मनोज भाई एक बात नोटिस करी, हाँ। जैसे ही वो चीज दिखी थी तो इस गेट की तरफ अंदर की तरफ घुसी थी, हाँ। वो अपने को दिखाना चाह रही है और वो इधर ही है अभी। अंदर कुछ न कुछ तो है यार, यहाँ पे है कुछ न कुछ। हाँ देखो सावधानी से, देखो भाई जानवरों की आवाज भी आ रही है अलग अलग। देखो देखो भाई, हो सकता है अपन गलत साइड में आ गए हो, एक बार वापस पीछे से चल के अगर वो चीज दिखती तो बात करने की कोशिश करेंगे उससे। भाई हा? भाई देखो उधर, भाई सामने, उधर सामने, सामने नहीं उधर, उधर कोई खड़ा है वहां, उधर उधर पूरा सामने व्हाइट शैडो, इधर 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 से। भाई बदबू ये क्या है यार? भाई भाई जंगली जानवर बहुत ज्यादा है यहाँ। ओ भाई ये किसकी बॉडी है? कोई जानवर का शिकार कर रखा है भाई, क्या अजीब सा ही माहौल लग रहा है यार। भाई बात सुनो, हाँ मैं कह रहा हूँ वहीं पे चलो वापस, उससे बात करने की कोशिश करते हैं अगर वापस दिखती है तो, क्योंकि भाई नहीं अगर वो इधर आई है वहाँ पे एक शेडो टाइप वहाँ दिख रहा है मेरे को कुछ, देखो सामने। देखो हम आपसे बात करने आए और अगर आपके बच्चों की कोई तकलीफ है, आपने हमारे को इशारा करा है कि हम इधर आए, अब आप हमें नजर नहीं आ रहे, प्लीज हमें बताएं कि आपके बच्चे किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं आसपास है तो हमें वापस दिखो एक बार और हमें इशारा करो। भाई पीछे देखना एक बार, पीछे देखना एक बार, इधर आओ। तो भाई सॉरी, सामने देखो। हाँ सामने देखो, रुको भाई रुको एक सेकेंड। भाई चीज वो चीज, रुको भाई रुको भाई रुको भाई,